आज मैं खड़ा हूँ PGMS रोहतक। छोड़ा इसे सिर्फ हरियाणा का ही नहीं, शायद हरियाणा पंजाब से जोड़ लीजिए, तो मतलब कि मोस्ट प्रोमिनेंट मेडिकल कॉलेजेस। और मुझे पता है कि एक्चुअली मैंने जगह ढूंढी है, कई लोग मुझसे पूछते हैं सर जहाँ खड़े होते हो, तो देखिए मुझे वहाँ खड़ा होना पड़ता है जहाँ आस पास पुलिस वाला ना हो, वरना पुलिस वाले अलाउ नहीं करते वीडियो बनाना, और मैं जाऊँ परमिशन लूँ इतना समय नहीं है। तो वो तो ये है कि मैं रोहतक घूमने आया हूँ, किसी काम से आया हूँ, तो आपको झलक दिखला दूँ। तो जब मैं रोड पर खड़ा हूँ ना, ये आप सोचिए कि ये बस इस पूरे कैंपस का एक बहुत छोटा हिस्सा है। तो जब आप रोहतक सिटी में आते हैं तो PGMS जो है वो अपने आप में एक छोटा सा शहर बन जाता है, मिनी सिटी। जैसे MGU बहुत फेमस बड़ी यूनिवर्सिटी है रोहतक में, वैसे ही पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर ये PGMS कॉलेज है। UG भी होती है यहाँ पर, PG भी होती है, PG के सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं, क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल। और जैसा मैंने कहा, आप ये मान के चलिए कि हरियाणा की जान है, अगर हरियाणा स्टेट में आप किसी भी कोने में रहते हैं और वो कहते हैं ना कि जब आपका मर्ज या आपका डिजीज एक लेवल के ऊपर है तो लोग आपस से बात करते हैं कि इसे रोहतक ले जाओ, इसे PGMS ले जाओ। तो जब नॉर्मल डॉक्टर्स हाथ खड़ा कर देते हैं तो पेशेंट यहाँ पर आते हैं। यू कैन इमेजिन द क्वालिटी। और क्योंकि मैं वीडियोस एडिट नहीं करता तो आई कुड हैव शोन यू द हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर्स, बट जो भी शायद दिल्ली के अंदर मैं फॉलो हूँ, तो हमें बड़ा फेमस सफदरजंग हॉस्पिटल है जिसमें फायर बहुत इंपॉर्टेंट है, या ट्रॉमा सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, या एम्स हो गया, वो सारे काम हरियाणा स्टेट के लिए एक इसी कॉलेज में होते हैं। तो इसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यू कैन से कि नॉट ओनली कॉलेज, हॉस्पिटल भी ये पूरे रोहतक का सबसे बड़ा है। UG PG दोनों पढ़ाए जाते हैं। तो जितने भी स्पेशलाइज डिपार्टमेंट है, ट्रॉमा सेंटर हो गया, फायर, जो जले हुए लोगों को इलाज करना है, कुछ भी करना है, मतलब हरियाणा का नंबर वन है ये। एक और ख़ास बात जिसके लिए मैं आपको इसलिए मैं स्पेशली आया था कन्फर्म करेंगे, जब आप खुद जब कन्फर्म कर सकते हैं अकेडमिक ब्लॉक में जाके, वो ये है कि रोहतक में जैसा मैंने कहा PG सीटें हैं और इसमें इंटरनल कोटा है। जैसा कि हम जानते हैं ना, PG में 50% ऑल इंडिया कोटा होता है, अब जो बाकी 50% सीटें होती है उसमें 25% सीटें इंटरनल कोटा है जिसने PGMS से UG करा है। मीन्स PGMS से UG करने का इंटरनल कोटा मिलता है इस कॉलेज में, साथ में बाई फाइव नंबर वन कॉलेज। तो वट इज़ द इशू, द ओनली इशू इज़ द बॉन्ड। जो दो साल पहले हरियाणा स्टेट ने बॉन्ड निकाल दिया ना 10 लाख पर ईयर का, वो 4 साल वाला या 40 लाख आप कह लीजिए। तो अब मेरे हरियाणा के मित्रों के लिए, और खासकर वो लोग भी जो ऑल इंडिया कोटा में इस कॉलेज को देख रहे हैं, कई लोग मुझसे पूछते हैं सर बॉन्ड आ गया तो क्या करें, हरियाणा को हम ऊपर भरे नीचे भरे, चाहे ऑल इंडिया कोटा की बात करें हम, चाहे वो स्टेट लेवल पे बात करें, बिकॉज ये बॉन्ड जो है ये ऑल इंडिया कोटा के बच्चों के लिए भी लागू है। तो देखिए हरियाणा में टोटल गवर्नमेंट की हम बात करें तो ये कॉलेज है, कल्पना चावला है, फिर अपना भगत फूल सिंह है जो सिर्फ लड़कियों के लिए जाता है, और एक शहीद नेवाती है जो विवाह साहिब के है। ये चार हैं जो ऑफिशियल सरकारी कॉलेज हैं। फिर ESF फरीदाबाद पाँचवा, और महाराजा अग्रसेन अग्रवा जो कहने को प्राइवेट कॉलेज है लेकिन फीस वो सरकारी वाली लेता है। तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि देखिए ESF फरीदाबाद बिकॉज ऑफ 1 लाख की फीस एंड उसमें बॉन्ड लागू नहीं होता, और PGMS रोहतक फॉर शेयर क्वालिटी। देखिए जब आप यहाँ पर पढ़ते हैं, डेफिनेटली अगर आप ऑल इंडिया कैडेट स्टूडेंट हैं और आपको और अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं, आपको दिल्ली के कॉलेज मिल रहे हैं, आपको GMC पटियाला मिल रहा है, आपको चंडीगढ़ मिल रहा है, आपको SMH जयपुर मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पहले जाइए, यहाँ बाद में जाइए। लेकिन ऑल इंडिया कोटा की मैं बात करूँ तो बियॉन्ड टॉप 70-80, मतलब पहले अच्छे 7-8 एम्स आ गए और अच्छे कॉलेजेस आ गए, जो हम लिस्ट देते हैं ना जो लोग हमारे ऑल इंडिया गवर्नमेंट सीट के क्लाइंट बनते हैं, तो पहले 80-90 के बाद फिर हमें PGMS रोहतक भर देना चाहिए बॉन्ड की चिंता किए बिना। तो ठीक है, 15-17 में से जो 5-7 अच्छे एम्स हो गए वो ले लिया आपने, UP के 4-5 कॉलेज ले लिए, कानपुर वाला ले लिया, लखनऊ वाले ले लिए, कासना वाले ले लिया, उन सब के बाद हमें PGMS रोहतक भर देना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द बॉन्ड, की बजाय कि नॉर्थ इंडिया का बच्चा साउथ में जाए अदर देन चेन्नई एंड त्रिवेंद्रम एंड हैदराबाद कॉलेजेस। और नॉर्थ इंडिया की बात बताऊँ और साउथ इंडिया की बात भी बताऊँ, तो जिनको बॉन्ड की चिंता नहीं है, फीस की चिंता नहीं है कि 40 लाख भी पे कर सकते हैं, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंफ्रा, हर चीज़ का कोई मुकाबला है ही नहीं। स्टेट कोटा की बात करें तो डेफिनेटली देखिए ESI, इसलिए आप पिछले लास्ट ईयर से देखेंगे ESI फरीदाबाद और PGMS रोहतक टॉप चलते हैं। तो जिन लोगों को बॉन्ड की चिंता है वो ESI फरीदाबाद ले रहे हैं, जिनको चिंता नहीं है वो PGMS रोहतक ले रहे हैं। बट डेफिनेटली क्वालिटी वाइज हर चीज़ में इस कॉलेज का कोई मुकाबला नहीं है, एंड डेफिनेटली नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है। जैसा मैंने कहा इंटरनल PG कोटा है, द ओनली नेगेटिव थिंग इज बॉन्ड।
उसके अलावा तो शायद ये नॉर्थ इंडिया में नंबर वन चॉइस थी और पहले थी ही बॉर्न आने से पहले। हरियाणा के बच्चे तो आंख बंद करके इस कॉलेज को भरते थे और आज भी भर ही रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द मनी। और लोग ये कहते हैं कि वाकई देखिए जब अगर इंटरनल पीजी आपको मिल जाएगा तो वैसे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट विशेष तो दिखा नहीं पा रहा आपको, ये रोड जो आपको ट्रैफिक नजर आ रहा है ना, ये रोड समझ लीजिए रोहतक की रोड नहीं है, ये पीजीएमएस के अंदर हम घूम रहे हैं। और इतना ट्रैफिक जो घूम रहा है, ये जो आपको पीछे चारों तरफ दीवारें नजर आएंगी, ये सारी दीवारें हैं, ये इस पार्ट ऑफ द कॉलेज। तो जितने बाकी प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना, 10-20 प्राइवेट कॉलेज को जोड़ लो तो इस कॉलेज की जगह बनती है। इस कॉलेज में अपना कैसा क्रिकेट ग्राउंड है, अपना स्क्वैश कोर्ट है, अपना स्विमिंग पूल है, ऐसा क्या नहीं है जो इस कैंपस में नहीं है। तो पूरा छोटा शहर है जैसा मैंने कहा, और बहुत अच्छी लोकेशन में भी है, दिल्ली से सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है। सो बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक इस साल के एस्पिरेंट्स के लिए। आपका भी शुभ हो। बाय बाय।